बच्चों, आज हम हिंदी में नया गीत सीखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जब छुट्टियां होती हैं तब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना छुट्टियों के लिए, और जब भी मेहमान आते हैं तब वो क्या लाते हैं, कुछ तो चीज़ें लाते हैं। आपकी मन पसंद है, किसी को चॉकलेट्स पसंद है तो चॉकलेट्स लाते, टॉयस लाते, बुक्स लाते, ड्रेसेस लाते। वैसे ही इस गीत में ना एक गौरव है, ये देखो, एक है गौरव और एक है उसके मौसा। आपको मालूम है मौसा किसे बोलते हैं? अपने मम्मी माँ की बहन होती है ना बहन, वो उसे हम क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं, और मौसी के पति हो गए मौसा। तो ये गौरव और ये गौरव के मौसा, और बहन का नाम भी है गौरव के मौसा। तो देखो मैंने इधर चित्र निकाला है, देखो एक घर है, पेड़ है, और एक क्या है छोटे छोटे इनको क्या बोलते हैं? पौधे। देखो छोटे पौधे और बड़े पेड़, यही पौधे बड़े बनकर पेड़ बनते हैं। गौरव के मौसा जब भी आते हैं उसके लिए एक पौधा लाते हैं। देखो उनके हाथ में अभी एक पौधा है, और वो दोनों हमेशा पौधे उसके मौसा पौधे लाते हैं। गौरव उनको लेता है और दोनों मिलकर देखो बगीचा है घर के सामने, बगीचे में जाते हैं और पौधे लगाते हैं। उनको सींचते हैं, देखो पौधे हम किसे लगाते हैं? क्या करते हैं, जमीन खोदनी पड़ती है, उसमें पौधा लगाना पड़ता है, मिट्टी डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। इस तरह से वो दोनों जाते हैं, और गौरव को पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा एक नया पौधा उसके जब भी मौसा लाते हैं तब वो लगाता है और सारे गिनता रहता है कितने हो गए कितने हो गए। तो आज हम यही ये सीखने जा रहे हैं। अब मैं एक गाना बोल रहे जा रही हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे बोल रहे। गौरव खेते मौसा आए, गौरव खेते मौसा आए, साथ अपने पौधे लाए, साथ अपने पौधे लाए। गौरव मौसा गए बगीचे, लगाए पौधे उनको सींचे। गौरव था अब गिनता पौधे, पूरे लगे थे 24 पौधे। और एक बार गौरव गौरव के थे मौसा आए, साथ अपने पौधे लाए। गौरव मौसा गए बगीचे, लगाए पौधे उनको सींचे। गौरव था अब गिनता पौधे, पूरे लगे थे 24 पौधे। देखो इस गीत में क्या है, गौरव के घर में उसके मौसा आए हैं, उन्होंने पौधे लाए हैं, गौरव उनको लेकर बगीचे में जाता है, पौधा लगाता है, और लगाने के बाद वो पूरे पौधे गिनता है। उसके पास 24 पौधे हैं, हाँ, और वो इस तरह अपने पौधे हमेशा सींचने के बाद गिनता रहता है। तो बच्चों इस गीत से हमको क्या सीख मिलती है कि हमको भी अपने घर के सामने, स्कूल के सामने पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि यही पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं, और पेड़ हमको क्या देते हैं? फल देते हैं, फूल देते हैं, और देखो पौधों से अपना घर अपना बगीचा भी सुंदर दिखता है ना, इसलिए हमको पौधे लगाने चाहिए। तो आपको एक गीत समझ में आया? तो आपको एक गीत एक बोल रिदम में बोलकर